राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना गांव में रास्ते के मामूली विवाद पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। सदर थाना के SHO जयप्रकाश परमार बताते हैं कि अड्डा गांव के बहादुर गुजर और अतर सिंह गुजर गुटों के बीच पिछले लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर बुधवार सुबह करीब 8 बजे दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी और डंडों से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। इसमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी मारपीट में शामिल थी। झगड़े के दौरान 45 साल का निरपत गुजर जमीन पर गिर गया। तभी बहादुर पक्ष के एक युवक ने निरपत के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। रोकने के बावजूद आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं रुका और जमीन पर गिरे निरपत के ऊपर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिया। घायल निरपत की मौके पर ही मौत हो गई। मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बयाना CHC भेज दिया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। ग्रामीणों के मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग की आवाज भी आई थी। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर के बारे में पता लगाया जा रहा है। मृतक निरपत के भाई विनोद के अनुसार सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहा था, तभी बहादुर पक्ष के लोगों ने मकान के ऊपर चढ़कर पथराव कर दिया। घबरा कर घर वापस आ गया। आरोपी लाठी डंडे लेकर घर में आ गए और मारपीट की। इस दौरान आरोपी दिनेश और मुनेश ने मेरे भाई निरपत को उठाकर ट्रैक्टर के आगे पटक दिया। मेरे ही ट्रैक्टर से आरोपी हनुमंत सिंह मेरे भाई पर ट्रैक्टर चलाता रहा। मृतक के पिता अतर सिंह ने कहा कि 5 दिन पहले भी आरोपियों के घर की महिलाओं ने रास्ते से निकलते समय मेरे बेटे निरपत पर कचरा और सड़ी गली सब्जियां फेंकी। विरोध करने पर झगड़ा किया। आरोपी बहादुर सिंह के बेटे दिनेश ने मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने मुझे दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक थाने में बिठा कर रखा। 15,000 रुपए लेकर छोड़ा। पुलिस ने कहा था कि सभी लोगों को पाबंद कर दिया है, अब कहीं भी आना कहीं भी जाना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। पुलिस ने हमारी रिपोर्ट पर मामला दर्ज नहीं किया। बयाना ASP ओम प्रकाश किलानिया ने बताया कि दो पक्षों में रास्ते के विवाद की बात सामने आई थी। झगड़े में मृतक के सामने वाला पक्ष पीछे हट गया। वीडियो में दिखने वाले लोग मृतक निरपत के पक्ष के हैं। ASP ने दावा किया कि शुरुआती जांच और वीडियो के आधार पर मृतक निरपत के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने वाला उसका सगा छोटा भाई दामो उर्फ दामोदर गुजर ही लग रहा है। घटना के दौरान ट्रैक्टर चलाते समय दामोदर ने अलग शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन पैंट सेम था। उसने घटना के बाद शर्ट को चेंज कर घर में ही छुपा दिया, जिसे बरामद कर लिया गया है। वहीं बयाना SHO जयप्रकाश परमार ने बताया कि 15,000 रुपए लेकर छोड़ने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है। ASP ओम प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद बयाना SHO और CO मौके पर पहुंचे। 5 दिन पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों गुटों की शिकायत पर मामला दर्ज कर 22 लोगों को पाबंद किया। ट्रैक्टर ड्राइवर को जल्द आइडेंटिफाई कर पकड़ लिया जाएगा। मारपीट में अतर सिंह पुत्र सन्नी गुजर, दामू पुत्र अतर सिंह, शांति पत्नी निरपत गुजर, लालो पत्नी विनोद गुजर, पिंटू पुत्र रमेश गुजर, रेखा पत्नी थान सिंह गुजर, देवेश पुत्र खेम सिंह, पीयूष पुत्र निरपत घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष में दरब सिंह पुत्र हुकम गुजर, बहादुर पुत्र हाकिम गुजर, जनक सिंह पुत्र हुकम सिंह को भी चोटें आई हैं। भरतपुर की इस घटना के बाद भाजपा अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कहा कि यह केवल एक आदमी का मर्डर नहीं है, यह हाल पूरे राजस्थान का है। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी की रैली है और वे उन्हें चैलेंज देते हैं कि जनसभा को संबोधित करने से पहले भरतपुर जाए, वहां के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर कार्यवाही हो। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।